राम राम देवेंद्र भैया। राम राम भैया, राम राम। अरे ये क्या कर रहे हो भैया? अरे भैया, मेड के किनारे किनारे और खेत के बीच में पेड़ लगा रहे हैं। अरे तो क्या धान गेहूं और गन्ने की फसल की खेती बंद कर दी क्या? हाँ? अरे परिवार को क्या खिलाओगे भैया? अरे घर के खर्चे के लिए पैसे कहाँ से लाओगे भैया? अरे यहाँ आओ तो बताएं। आओ। अच्छा ठीक है, आ रहा है आ रहा है। आओ जरा। हाँ बताओ भैया। ऐसा नहीं है सुधाकर भैया, हर साल की तरह इस साल भी खेती करूंगा। बस फर्क ये है कि खेती के साथ साथ पेड़ लगाऊंगा, पेड़ काट के बाजार में बेच के अपनी आमदनी बढ़ाऊंगा। ईंधन के लिए लकड़ी और कृषि के लिए औजार भी हमें खेत से ही प्राप्त हो जाया करेंगे। और सबसे बड़ी बात सुधाकर भैया ये है कि तुम्हारी भौजी और हमारे लड़के जो दूर वन में जाते थे जलौनी की लकड़ी लेने या चारा लेने, इसके लिए उनको वहाँ दूर जाना नहीं पड़ेगा। ये हमारे साथ में रहेंगे, हमारी आमदनी बढ़ाने में हमारे साथ मदद करेंगे। और जब जलौनी की लकड़ी हमको यहाँ मिल जाया करेगी तो कंडे नहीं पथेंगे, जब कंडे नहीं पाथे जाएंगे तो गोबर बचेगा, जो गोबर बचेगा वो खाद के रूप में हम खेतों में डाल दिया करेंगे। इससे हमारी फसल भी अच्छी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो है, रासायनिक खाद में जो अधिक खर्च होता है उस खर्च में कटौती हो जाएगी। और भैया, ये पेड़ों को लगाने का फायदा ये है कि आसपास की खेतों की जमीन के नीचे पानी बढ़ जाएगा और खेतों में मिट्टी का कटाव भी कम हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, गर्मी भी कम होगी। और उससे भी बड़ी बात भैया ये है कि ये जो पेड़ों पे पक्षी निवास करते हैं ना, वो हमारे जो फसल को कीट मकोड़े नुकसान करते हैं उनको खा जाएंगे, जिससे हमारे फसल को भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। अरे वाह भौजी, अब मैं भी खेती के साथ साथ पेड़ लगाऊंगा अपने खेतों में। लेकिन भैया, हमारी ज्यादातर जमीन तो बंजर है, ऊसर है, कम उपजाऊ है, उसको क्या करें? चिंता करने की कोई बात नहीं है। गहरी मिट्टी के लिए शीशम, सागवन और फलदार पेड़ लगाए जा सकते हैं। और जो जैसे ऊसर, बांजर या कम उपजाऊ जमीन है, उसके लिए आंवले का पेड़ है, देसी बबूल है, विलायती बबूल है, या यूकेलिप्टस के पेड़ पास पास लगाए जा सकते हैं। भाई हमारा तो मानना है कि हर प्रकार की मिट्टी में किसी ना किसी प्रजाति का पेड़ लगाया जा सकता है। भाई ज्यादा जानकारी के लिए तुम वन विभाग चले जाओ भैया, उनसे जानकारी ले लो और उनकी जानकारी के अनुसार अपने खेत में पेड़ लगा लो। और भैया, हमरे मायके में तो हमरे भैया ने इस सब्जी और फूलों की खेती के साथ साथ खेत में पेड़ भी लगाए हुए हैं। लेकिन पेड़ों को काटने और बेचने लिए बहुत मेहनत लगती है, और तो और वन विभाग से अनुमति भी लेनी पड़ती है। हमसे ना हो पाएगा? अरे भैया, इसमें परेशानी की कोनो बात नहीं है। हमारे प्रदेश सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए ये खेत में जो यूकेलिप्टस और बबूल, सू बबूल, बिलायती बबूल और ये जामुन, आंवला के जो पेड़ है ना, इनको काटने के लिए और प्रदेश भर में कहीं लाने ले जाने के लिए अनुमति दे रखी है। और इसके लिए कोनो परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और साथ ही साथ शुल्क भी कोनो नहीं देना पड़ेगा। अरे वाह भौजी, अब तो मैं भी अपने खेतों में खेती के साथ साथ पेड़ भी लगाऊंगा। अरे भैया, मिठाई तो खाते जाओ। अरे मिठाई विठाई बाद में, पहले अपने खेतों में पेड़ लगाऊंगा, उसके बाद मिठाई खुद खिलाऊंगा। चलो भैया। चलो भैया। अरे राम राम भैया, राम राम।